नहीं बोला, सबको मार के बाहर दे दी। बहुत अच्छा की हो, जोन मेहरारू सास ससुर का संजा सुन मेरे नाते नहीं मारे हो क्या, कल्याण नहीं हो कोई का हुए रोका है दास सास ससुर के मोबाइल चढ़ावा थी संजा सुन मेरे नाते समारो सास ससुर ना धाम ना है तब एलन में वो जेने भाषा को परेशान हो। एक बार जान लियो उनका आधा किलो तेल गया है आधा पूरी। हे भौजी अब तेल के तुम्हें जरूरत ला दी, देखो भैया माई बाप का उनके भैया के मारे हो और बहनियों को मारे हो और भैया माई बाप के बहुत बड़े पुजारी है, अगर भैया का पता चल गया कि हमारे मेहरा जो हमारे माई बापू को मारी है तो मरिए कुमार को कलाई मुझे होगा। अब एक काम करो, यही जगह खेलो मेहरारू तिरिया जाल, ऐसा तिरिया जाल खेलो ये तीनों जने खुद फंस जाए, तुमका मिल के तीनों ने खुद मार। सही कह रहे हो तेरी तुम आने के भैया को मैं उनको समझा दूंगी। खेलो तिरिया जाल मेहरारू इस साइड में खड़ा हो जा आने के लिए। चलो खाना बनाने में थोड़ी लेट हो गई, आपके बाबूजी आपकी माँ
सब लोग आकर मुझे मारने लगे। बोली की बार में तुम करती क्या और सब खाना भी नहीं बना के देती हूँ। स्वामी जी मैं इतना बड़ा जुर्म नहीं सह पाऊंगी, मुझे मेरे बह के छोड़ दीजिए। बढ़िया को परेशान न करो, भगवान तुहू का बहनी है। ये बात समझ ली है कि थोड़ा सा देर होने पर उन लोगों ने तुम पे जरूर लिया। स्वामी जी आपको तो बहुत गाली भी दे रहे थे, हमेशा मुझे उल्टी सीधी गाली देते रहे थे। रात तक तुमने मुझे बतलाया है तुमका विश्वास नहीं लड़का के मामा से। मैं चाहती हूँ कि घर में कुछ हो, झगड़ा लड़ाई हो, मैं तो हमेशा बना कर चलती हूँ स्वामी जी, लेकिन आज सब लोग मुझे मारने लगे। घबराओ नहीं, अगर ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ में तो ऐसा फैसला मैं करूंगा। ऐसा होगा? जरूर होगा, घबराओ नहीं तुम। और कोई हमारी पत्नी पर जुल्म करे मैं बर्दाश्त कर जाऊं, ऐसा होगा नहीं। तुम घबराओ नहीं, मैं सिर्फ बिता रहा हूं पिताजी के पास, और आज तू तत्व और पानी का पानी अलग कर दूंगा, इसका फैसला जरूर करूंगा। घबराओ नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ और सारी सच्चाई अभी उनसे बुलवाता हूँ। बोले तुम पर जो तो हम तुमका कबो सिखाओ वही नहीं भाई, कहता कहाँ सिखाई आया हूँ। करती है ना, तो सब कुछ वो करत गई हुई वह चलन पे। एक बार बताई, तुम संजय सुबेरे टाइम निकाल के हमारे मेहरा लाए चली जाओ। अच्छा ये बात कैमरे में घर करके क्या दिखाते हो? ऐसा हम खुद देखी थे, संजा को मेरे टाइम निकाल तो के लाए चली जाओ करो। तुम का यह तरह की बुद्धिया तमाम बताई हुआ। ठीक है, टाइम निकाल के चली जाऊंगी। और सुनो एक बात, हमारे भैया जाए अपने भाई बाप के पास, और जाकर जो के देखती रहना, अगर मेरे हाथ में फैसला करके तब तो खाना बनेगा सभी घर में, नहीं आज भी खाना नहीं बनेगा, सब लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, एक हजार क्या हो गई? उचड़ी पड़ी है, जाने को मिलते नहीं, चानस किए तुम है लगवा ले पैसा नहीं, उनका एडवांस पैसा दिएगा नहीं, ध्यान लाग ना भाई पानी थोड़ा पड़ा और जल को दे रहा है। उनको जल को भेज दे रहा हूँ, तुम तो ज्यादा मांग रहे हैं, उनका देगा तुम क्या? चलो ठीक है भैया। एक हजार के जुगाल हमारे जब खेतिए नहीं तो धान कहाँ लगा? अरे आप पैसा निकाले खाली जुगाल तो हो ही कहीं, कुछ ना कुछ बहाना बनाओ तो पड़ते है। वैसे एक बात है, अगर कहूँ के मनसेदू कमा होते मेहरारू थोड़े कब्जे बढ़ जाए तुम्हार का पूछे कहते, अब ये बच्चा कमाए कमाए लावे भी जा रहेगा हम कुदे है। लेकिन एक बात और है, जितनी मेहरुए है ये देख रही है एक धर्म का उतार जाए, यहाँ से देख के जाओ तो मेरे पैसा सबू के ऊपर उठा जाओ, और अगर धर्म उतारो तो इनके हालों देख रही हो, इनके परी की रवा हमारे परी सुनिया, यही है किनारी और हम यहाँ बुझ बुझा। देखो मेहरारू वाला भूत चढ़ रहा है, कहानी पर आप लोग गौर भी कीजिए, जमाना बहुत बदल चुका है, ये जमाने में माई बाप और मजूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा, ये मेहरारू पूजा नहीं की तो के कल्याण नहीं हुआ। देखिए ये वही माँ बाप है जो बचपन से लेकर
डालते हैं और सयाना करते हैं, सोचते हैं कि मुहावरे का सहारा होगा, लेकिन मेहरानू पाए के वही लंगा अच्छा रंग बदल ले थे कि महतारी बाप को सोचे नहीं रहते। तो देखिए ये बच्चा वही है जो माँ बाप के बगैर आदेश से एक कदम आगे नहीं बढ़ाता था, और आज बीबी के भड़काने में अपने माँ बाप के साथ कौन सा सलूक करने जा रहे हैं, आगे आप लोग कहानी पर देखिए और देखिए कि आगे होता क्या है। धन्यवाद।